आज तो संडे है यार, आराम करूंगा, चिल मारूंगा, मौज मारूंगा। मेरे सामने वाली खिड़की में चाक यार, भूख तो लगेगी यार। चल कुछ स्पेशल बना ले यार, पिज्जा ही बना ले, पिज्जा ही खिला दे यार आज। हाँ हाँ क्यों नहीं, ओवन तो खराब पड़ा है। ओवन खराब हो गया? पिछली दिवाली पे तो लिया है, कुछ ना कुछ लिगड़े तोड़े होंगे तुमने। अच्छा, जब मैंने तुझे कहा था इस ओवन को मत ले, सस्ता है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, जब तू मेरी बात मानी नहीं। अब भुगत, पहली एसी फ्रिज खराब है, पता नहीं कहाँ से लोकल कंपनी सामान ले आता है। अरे भाई चल, मैं मैकेनिक को फोन करता हूँ, चल बाहर खाने चलेंगे। अच्छा अब तो चलेगा, चल ठीक है भाई, चल। मैं निकला गाड़ी लेके। ओ भाई ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही यार, क्या दिक्कत आ गई इसमें? यार अभी तो तूने सर्विस कराई थी, अभी से क्या हुआ? यार सर्विस तो अभी करवाई थी, स्टार्ट नहीं हो रही, मैं मैकेनिक को फोन करता हूँ। यार कर, यार कर फोन, जिसे करना कर। अरे आज ही खराब होनी थी ये गाड़ी भी यार। भाई साहब ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, आपने काम तो ढंग से किया था ना, सर्विस तो ढंग से की थी? हाँ जी सर्विस तो ढंग से की थी। ये स्टार्ट नहीं हो रही है, मेरे पैसे वापस दे देना वरना मैं देख लूंगा तुम्हें। अरे जाओ जाओ भाई साहब, ये धमकी किसी और को देना यार। इतनी औकात होती तो अरे सर्विस सेंटर पे सर्विसिंग ना करवा लेते, बैठो बोलो को। यार कैसे धमका रही है? अरे तूने ये सर्विस भाई लोकल गैरेज से कराई है? अरे भाई मारो मुझे, मारो भाई। तो टेंशन ना ले, अभी चलते हैं, कैब बुक करते हैं, कैब से चलते हैं भाई, एक बढ़िया से होटल में चलेंगे, बता क्या खाएगा। चल ठीक है भाई, बंद कर। आज तो भाई हम सब तेरी पसंद का खाते हैं, बता क्या खाएगा। अरे ये कौन से थर्ड क्वालिटी के ढाबे में लिया है? अरे भाई पहले इतना खर्चा चढ़ा हुआ है, एसी का, फ्रिज का, कूलर का, कार का, थोड़ा तो एडजस्ट कर ले भाई। चल मंगा मंगा लूंगा। यार पेट में दर्द हो गया, लगता है ढाबे का खाना नुकसान कर गया यार। अरे यार मैं तो पहले ही बोला था सस्ती जगह पे मत जा, मत, तुझे तो पैसे बचाने होते हैं, अब सस्ते के चक्कर में नुकसान भी नुकसान करते जा रहा है। यार एक काम करता हूँ, मेडिकल शॉप जाता हूँ, दवा ले आता हूँ यार। अरे रुक जा यार, फिर वही सस्ते के चक्कर में। अरे किसी अच्छे डॉक्टर पे जा और कहीं क्वालिटी की दवाई ले जा, सस्ते के चक्कर में फिर नुकसान करा बैठेगा कहीं। इस नाटक से आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि क्वालिटी की हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है। हम जब भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं हमेशा प्रॉब्लम्स में फंसते हैं, खर्चे दुगने हो जाते हैं और इश्यूज बढ़ते जाते हैं। क्वालिटी हमारे प्रोसेस में, प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आखिरकार इस पार्ट के ग्राहक भी हम ही हैं। तो आइए इस नवंबर मंथ में हम क्वालिटी को और ज़्यादा महत्व दें। ग्रुप ऑटो बिजनेस।